जो ये बीमारी है ना, इसका नाम सुनते ही जैसे लोगों को लगता है कि अब तो कहानी खत्म हो गई, अब कुछ होना ही नहीं है। और आपके गाल ब्लैडर में ही गड़बड़ है सारी, और यहाँ इसका ऑपरेशन करने वाला कोई डॉक्टर नहीं है। और मैं बहुत घबराता रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि बच्चों का क्या होगा कैसे होगा। कॉन्स्टिपेशन इतना हो गया था कि मैं चार चार गुना डोज लैक्सेटिव की लेने के बाद मेरी मोशन पास करना मुश्किल हो गया। मैं MRI करा करके चैम्बर में आई डॉक्टर के पास, उन्होंने सारी वो फिल्म शायद देख ली थी सब, तो उन्होंने उसी समय पकड़ लिया। और उसी दिन वो मेरा और डॉक्टर PK जैन से पहली मुलाकात थी, और उसी दिन उन्होंने कहा कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपके जो सिस्ट है वो कैंसेरियस है, आपकी बहुत ज़्यादा तो नहीं बड़ा है लेकिन आगे ये जो है मतलब फर्स्ट और सेकंड स्टेज के बीच की स्टेज थी वो शायद। मेरी सारी रिपोर्ट्स देखी डॉक्टर प्रदीप जैन जी ने, उन्होंने कहा भी आपकी आपको तो ऑपरेशन होगा, कोई चिंता की बात नहीं है, ठीक हो जाएगा। तो मुझे कुछ डाटस बन गया, लेकिन मैं इतनी तकलीफ में था, मैंने डॉक्टर साहब को ये बोला, डॉक्टर साहब आप ओपन अप कर देना, मेरे को इससे निजात दिलाओ, मैं बहुत परेशान हो गया, जीना मुश्किल हो गया। फिर प्रदीप जैन जी ने मेरा ऑपरेशन किया, सुबह 7 बजे ले के रात के 10 बजे तक मेरा ऑपरेशन किया। और मैं बहुत घबराता रहा, क्या होगा क्या नहीं होगा, मैं तो बड़ा परेशान हो गया कि बच्चों का क्या होगा कैसे होगा। दिन में घबराहट ही हो रही थी, लेकिन उन्होंने इतनी तसल्ली दी और मुझे थोड़ा जोश भी आ गया, ठीक है। ऐसा है कि जब कोई कैंसर का पेशेंट हमारे पास आता है तो विद सो मच ऑफ एक्सपीरियंस, इतना लंबा टाइम है कैंसर सर्जरी में निकला है, तो हमें ऑलमोस्ट उसकी कुछ ही रिपोर्ट्स देखकर हमें पता होता है कि उसके दिमाग में क्या क्वेश्चंस हैं, क्या उसको प्रॉब्लम है, क्या उसका करना है। पर हमारा काम यहीं से स्टार्ट नहीं होता एकदम से, एक्चुअली वी ट्राई टू लिसन टू द पेशेंट। जब भी पेशेंट आता है तो हम उससे पहले उसकी सारी की सारी पूरी प्रॉब्लम्स, सारी व्यथा उसकी पूरी सुनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे हमारे को कई चीज़ों का लीड मिलता है। हमें ये भी पता चलता है कि इनके घर में कोई जेनेटिक बीमारी तो नहीं है, या फिर पेशेंट को कब से प्रॉब्लम है, पेशेंट को मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं कि नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि पेशेंट को अगर हम एक कैंसर का पेशेंट होता है, वो ऑलरेडी उसको ज़्यादातर केसेस में पता होता है कि मुझे कैंसर है, तो उसके अंदर जब वो हमसे बात करता है तो उसका एक अंदर से बहुत गुबार भरा होता है, वो अपने बारे में बहुत ज़्यादा चीज़ें डिस्क्राइब करना चाहता होता है। तो इस वक्त हमारा इम्पॉर्टेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है हमारी कि हम उसकी पूरी तरीके से बात सुने और उसका पूरा मेंटल मेकअप को जानने की कोशिश करें। तो जो हमारा डिपार्टमेंट है GI कैंसर्स का, और इनफैक्ट ये डिपार्टमेंट है GI सर्जरी का, तो इसमें हम जितनी भी GI से रिलेटेड सर्जिकल डिजीज़ होती हैं उसको हम ट्रीट करते हैं। जो हमारा जो मेन, इसमें हम 3 पिलर्स मान के चलते हैं अपने GI के डिपार्टमेंट में।
जीआई कैंसर्स, हेपेटोबिलरी पैनक्रियाटिक सर्जरी और बेरियाट्रिक सर्जरी। तो जो मेन थ्रस्ट हमारा है वो है जीआई कैंसर्स पे। जीआई कैंसर्स के अंदर जो हम बेसिकली ट्रीट करते हैं डिजीजेस, जो हमारे कैंसर्स हैं, फूड पाइप, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लिवर, पैनक्रियास और स्प्लीन, तो इसके कैंसर्स के जो ट्रीटमेंट है वो जीआई कैंसर्स के तहत आता है। तो ये तो रहा कि हमारे कैंसर्स के बारे में। अब जो बाकी जो बात करता हूँ मैं वो है हेपेटोबिलरी पैनक्रियाटिक, जो एक हमारा वर्टिकल जो हमारे डिपार्टमेंट का है, एक स्पेशलाइजेशन। हम किसी भी प्रकार की लिवर और पैनक्रियास की सर्जरी हम करते हैं, चाहे वो बिनाइन है, चाहे वो कैंसरस है या फिर वो नॉन कैंसरस डिजीज़ है, जो सर्जिकल डिजीज है, जैसे कि क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में हम सर्जरीज करते हैं, अक्यूट पैनक्रियाटाइटिस जिसके अंदर हमारे पैनक्रियास में अक्यूट सूजन होती है और पैनक्रियास के आसपास के एरिया में फ्लूड कलेक्शंस या नेक्रोटिक कलेक्शंस या पस वगैरह होता है, तो उसकी भी हम सर्जरीज करते हैं। और ऐसे ही हम बेरियाट्रिक सर्जरी, ये हमारा तीसरा वर्टिकल है जीआई सर्जरी के अंदर, जैसे जो मोटापे वाली सर्जरी होती है, इसमें जिन लोगों का वजन अनकंट्रोलेबली बढ़ जाता है, जिसके अंदर किसी भी तरीके से वो उसको कम नहीं कर पाते हैं, चाहे वो एक्सरसाइज के द्वारा या फिर अपना खान पान कंट्रोल करने के द्वारा, या अगर वो नहीं कम कर पाते हैं, उनका वेट जो है लगातार बढ़ता जाता है, तो ऐसे केसेस में जो हमारा जो नेक्स्ट बेस्ट ट्रीटमेंट है वो हमारा बेरियाट्रिक सर्जरी। और अगर डॉक्टर प्रदीप जैन जैसे डॉक्टर्स होते हैं तो ऑफकोर्स सर्वाइव करना इतना मुश्किल नहीं होता किसी भी पेशेंट के लिए। मैंने यहाँ ये भी देखा, एक ख़ास बात मैं ख़ास तौर पर डॉक्टर प्रदीप जैन की टीम की ये भी कहूँगी कि इनकी टीम के जितने भी डॉक्टर्स हैं इतने पॉजिटिव हैं, आप उनसे मतलब वो आपसे फिल्मों के बारे में भी बात कर सकते हैं, वो किसी भी टॉपिक पर आपसे बात करते हैं, म्यूज़िक के बारे में भी बात करते हैं, और वो कहते हैं आपको ठीक होना है, अरे हम आपको कुछ होने ही नहीं देंगे। और उसके बाद आज तक मैं डॉक्टर साहब का दिल से, बल्कि मैं तो इनके पैर छूता हूँ कि इतना बड़ा ऑपरेशन, इतने बताया था कि आपको तो सारा ही ब्लड गिरा हुआ था, 750 ग्राम का लोथड़ा निकाला डॉक्टर साहब ने, और मैं तो उस दिन से डॉक्टर साहब को भगवान मानता हूँ। और डॉक्टर साहब ने ऐसे नहीं कहते, कोई बात नहीं है ठीक, लेकिन मैंने कहा सर ये तो आपकी ही ज़िंदगी दी हुई है, नहीं तो मैं तो ख़त्म हो गया था। फिर इन्होंने मेरा ऑपरेशन किया, मैं मुझे इन्होंने 10 दिन यहाँ पे 8 दिन रखा, 3-4 दिन मुझे इन्होंने ICU में रखा, उसके बाद अंदर उसके वहाँ रखा, और टिल डेट तक मेरे को देखते रहे और मुझे बुलाते रहे, देखते रहे, और आज मैं आज की डेट पर मैं बिल्कुल क्लोड हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। हर 6 महीने बाद मुझे 3 महीने बाद बुलाते हैं, उसके बाद मेरा टेस्ट करते हैं, हर 6 महीने बाद मेरा पेट स्कैन होता है, पेट स्कैन से ये पता चलता है कि अंदर शरीर में फैला तो नहीं है या कुछ नहीं है। और हर मुझे आज 2 साल हो गया, अक्टूबर 2018 में मेरा ऑपरेशन हुआ था, आज अक्टूबर आ गई है, पूरे 2 साल हो गया, बीच में मुझे किसी चीज़ की परेशानी, इतना अच्छा स्टाफ है इनका, इतना कोऑपरेट करते हैं, इतना कुछ करते हैं, वैसी आधी बीमारी दूर हो जाती है, डॉक्टर अच्छा हो बीमारी वैसी आधी दूर हो जाती है। मंडे को मेरी सर्जरी करी, सर्जरी कर दी है तो मैं ICU में चला गया। अगले दिन सुबह जब डॉक्टर साहब आए तो डॉक्टर साहब अगले दिन शाम को जब आए तो मुझे मिले, बताया कि मैंने तुम्हारी ओपन अप सर्जरी नहीं कर, जबकि ओपन अप सर्जरी जो करते तो शायद घंटे 1.5 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर वो अपना काम सारा खत्म करके और बाहर आ जाते। तकलीफ मुझे भुगतनी है, भुगतना, लेकिन शायद सोचते हुए कि नहीं मैं ऐसा कर सकता हूँ कि मेरी वो लेप्रोस्कोपी कर सकें, तो ही मैंने इधर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी को, जो मुझे मेरी फैमिली वालों ने बाद में, मेरे बेटे ने मुझे बताया और डॉक्टर साहब ने बताया कि लेप्रोस्कोपिक सर्जरी जब करी उन्होंने 4.5 घंटे लगे। आप देखिए किसी डॉक्टर की पेशेंस को कि वो जो काम 1.5 घंटे में कर सकता था उन्होंने 4.5 घंटे में करा, टू मेक माई लाइफ कन्वीनियंट, क्योंकि इतने कट्स बच जाते, इतनी लंबा हॉस्पिटलाइजेशन बच जाता, इतनी तकलीफ बच जाती, सो आई एम ग्रेटफुल टू हिम। एंड जैसे ही सर्जरी करी है वो जितने साइंस थे वो सारे ऐसे गायब हो गए हैं as if they never existed।
5 surgeons in the team. We are having all kind of specialists with us, and we are having a big support staff also. We have independent OTs and independent staff for particular design designated work. So I'm enjoying my work, and we are doing very good work. And as I am doing surgeries for last almost 32 years, in 32 सालों में मैंने कोई calculate तो नहीं किया, कोई ऐसा data नहीं रखा है कि case का. Like I can say that I have operated more than 25,000 cases myself. Nearly 25 se leke 30,000 ke beech mein humne cases kiye hain. And meri puri koshish rehti hai ki main apne har patient ko satisfy karun, unki koi bhi problem hai, chahe wo medical se related ho ya kuch jaise kuch psychological problems hain ya fir unko bimari se leke kuch counseling ki zarurat hai, to sari help karne ki koshish karta hu. Aur I hope and I wish and that I am quite confident also that आगे भी हम ऐसे अच्छा काम करते हैं.